हाँ बांध दे साली को। हाँ रख रख। क्या सोची थी तू दिनेश का पैसा लेके भाग जाएगी? भाई कुमार की सबाब का बाज भेज दू। सही बात बोला रे कल। दिनेश का पैसा लेके ना किसी का बाप भी कलकत्ता के बाहर नहीं जा सका, तो तू कौन है बे साली? छोड़ दे मुझे। छोड़ तो देंगे तुझको, पर पहले पैसा तो वसूल कर ले। भाई काट के साली का किडनी बेच दे क्या? अरे हट, पहले थोड़ा मजा तो लेने दे। दरिंदे छोड़ मुझे, छोड़। बहुत बगड़ बगड़ करती है साली, तेरे जबान ही काट देंगे। कुछ नहीं कर सकता है तू। तुझ जैसे कमीनी को क्या लगता है कि ऐसे करके मिल जाएगा सब कुछ? कुछ नहीं मिलेगा तुझे दिनेश गुप्ता। तू साली, ठोकी देगी तुझको आज। Come in, Mr. Pandya and Mrs. Roy. अब लोगों को पता ही होगा क्यों आप लोगों को अपॉइंट किया गया है। Yes, sir. हम लोगों को कोलकाता के सारे ड्रग डीलर्स को सलाखों के पीछे लाना है। इन दो फाइल्स में आप दोनों को सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आपको तो पता ही है कि इस मिशन में हमें हमारा युवा समाज को इस ड्रग्स के जाले से मुक्त करना है, और इस मकाम तक पहुंचने के लिए हम कोई भी हद तक जा सकते हैं। इसमें चाहे किसी की जान भी चली जाए। सर हम लोग ये मिशन कहां और कैसे शुरू करेंगे? डोंट वरी, आप लोगों को हाई कमीशन से पूरी मदद मिलेगी, और मेरे पास भी सब डिटेल्स है। वेट अ सेकंड, मैं खाता हूं। यह है दिनेश दत्ता, द ड्रग लॉर्ड ऑफ कोलकाता। कालू, लालू, अच्छे से देख लो, दिनेश दत्ता के दो वफादार कुत्ते और ये है हमारा लीड। इस मिशन का इतना अहमियत है कि इसमें किसी की भी जान चली जाए तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके? यस सर।
हेलो हेलो, मुझे थोड़ा माल चाहिए था, आज फ्री हो क्या? ज़्यादा बात नहीं कर सकती हो तुम, 4:30 बजे SDH बस स्टैंड के पास आ जाना। हेलो, कौन है बे? क्या रे, दिनेश दत्ता का आवाज भूल गई क्या? ओ दिनेश जी, सॉरी सॉरी, वो अननोन नंबर था इसलिए पहचाना नहीं। आपको आपका पैसा मिल जाएगा, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। इतना भी नशा मत कर लौंडिया कि दिनेश दत्ता का पैसा देना भूल जाओ। अरे दिनेश जी, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। सुन लौंडिया, मुझे पैसों के अलावा ना कुछ समझ नहीं आता है। पैसा दे नहीं तो माल दे, वरना रास्ते में ऐसे काट के रखेंगे पहचान में नहीं आएगी, समझी क्या? तेरा कोई टाइम का समझ नहीं है, जब तब आ जाती है। क्यों, क्या हुआ दीदी? मैं तो रोज इसी वक्त आ जाती हूँ। ज्यादा बक मत, चुपचाप अपना काम कर। हेलो हेलो दिनेश जी, आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। क्या रे, दिनेश का कॉल मुंह पे काटेगी? दिनेश को ना अपना पैसा वसूल करना आता है, समझा ना? चल रख। हेलो हेलो, ओ फक, खर्चा पानी दूं क्या? क्या बे? बॉस, गुस्सा क्यों हो तुम? मुझे थोड़ा माल चाहिए। भाग साला, खाली फ्री में दिमाग मत सड़का। तेरे जैसे लोगों पे माल नहीं देता, और माल लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। तेरा बाबा का देगा क्या? आपका तो पता नहीं साहब, लेकिन मेरे पास बापू है। और याद रख, तेरे और मेरे बीच का बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर अपना मुंह खोला तो काट देंगे। हाँ साहब, आप मत सोचिए। चल चल कट ले। हेलो। हाँ, आज तेरा माल चाहिए तेरे। ओके, तो 8 बजे क्लब में मिल और चुपचाप माल लेके निकल जाना।
निकल जाना, ठीक है? मेरा दोस्त का वहाँ हाउस पार्टी चल रहा है, तो हम एड्रेस उनको एसएमएस कर देते हैं, वही मिलते हैं। ओके।
कुछ नहीं, चीज की मेहनत। तुम फिर से ये सब शुरू कर दिए? लुक, शी मे बी योर फ्रेंड, इसीलिए तुम उसके दिए हुए ड्रग्स ले रहे हो, बट आई रियली डोंट लाइक हर। सी बेब्स, इट्स जस्ट ड्रग्स। मिस्टर वी डू शोएनी, बोलो क्या हुआ इतनी रात को? तुम प्लीज रोहन के घर जल्दी से आ जाओ। हाँ, हुआ क्या है, सब ठीक है ना? तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ रोहन को। हेलो हेलो, शकल गांधी की शकल। मौस ने बोला है आज मान ले तो तेरी। बोला है ना एक महीने की मोहलत दो, सब मिल जाएगा। निभाना पड़ेगा वादा, नहीं तो बॉस कर देगा आधा आधा। महीने के बाद महीने डार्लिंग, कितना मोहलत लोगी, अब तो दे दो। सुबह सुबह दिमाग की दही मत कर, चल चल हल्का, सब मिल जाएगा। चल 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 चल, चल। Thank you.
जाना तुम्हें, दिल पक्का करना है, समझा ना। हाँ हाँ हाय हाँ, बांध दे साली को। हाँ रख रख। क्या सोची थी तू, दिनेश का पैसा लेके भाग जाएगी? भाई कुमार किसका बाप का बाज भेज दू? सही बात बोला रे कल, दिनेश का पैसा लेके ना किसी का बाप भी कलकत्ता के बाहर नहीं जा सका, तो तू कौन है बे साली? छोड़ दे मुझे। छोड़ तो देंगे तुझको, पर पहले पैसा तो वसूल कर ले। भाई काट के साली का किडनी भेज दे क्या? अरे हट, पहले थोड़ा मजा तो ले ले दे। दरिंदे छोड़ मुझे, छोड़। बहुत बगड़ बगड़ करती है साली, तेरे जबान ही काट देंगे। कुछ नहीं कर सकता है तू, तुझ जैसे कमीनी को क्या लगता है कि ऐसे करके मिल जाएगा सब कुछ? कुछ नहीं मिलेगा तुझे दिनेश गुप्ता, तू साली ठोकी देंगे तुझको आज। पुलिस, तुम यहाँ कैसे? I'm Mrs. Roy, undercover agent. क्या? Yes, 6 महीने पहले। और ये है हमारा लीड। लेकिन सर ये तो मुझे पता है, ये मेरी बेटी है, लेकिन मेरे लिए कानून से बढ़कर कोई नहीं। और इस मिशन का इतना अहमियत है कि इसमें किसी की भी जान चली जाए तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके? यस सर। मिसेस रॉय, देयर इज एन असाइनमेंट फॉर यू। यस सर। मिली के घर जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे टीम तक पहुंचानी है, लेकिन डिस्गाइज में, एज अ मेड। और इसके साथ सारे प्रूफ इकट्ठे करके मुझे भेज देना। अंडरस्टूड? बट सर ये तो आपकी बेटी है, आप आराम से इसे कानून की गिरफ्त में ले सकते हैं, फिर क्यों नहीं ले रहे? आपको जितना असाइन किया गया है उतना ही कीजिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन इंडिविजुअल, इट इज अबाउट द एंटायर रैकेट। सर ये आपने क्या किया? ये भी एक क्रिमिनल है, बस सिर्फ क्रिमिनल। इसके वजह से कितनों की जिंदगी बर्बाद हुई है, और ऐसी बेटी होने से अच्छा मेरी कोई बेटी ही ना हो। आज अगर देश के लिए मेरी बेटी को कुर्बान होना पड़े तो वही सही। बट सर आपने एक बार भी नहीं सोचा, शी इज योर डॉटर। मेरे लिए देश से बढ़कर कोई नहीं, और सोचने के लिए बचा ही क्या है? जिसने हमारे देश के लोगों को तबाह किया उसका जिंदा रहना जायज नहीं, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। पापा, आज मेरे देश को इस ड्रग्स के जल से मुक्त करने के लिए बेटी तो जैसे को हमारे देश के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कोई भी रिश्ते से बरकर नहीं हो सकता। ड्रग्स और भ्रष्टाचार जैसे खतरों से हमें हमारे देश को आजाद करना है, तो चलिए सब मिलकर एक होके अपने देश को बेहतर बनाएं। जय हिंद। द रिलेशनशिप विच कम्स अबव ऑल इज द रिलेशनशिप वी हैव विद आवर मदरलैंड। एज सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस कंट्री वी नीड टू रियलाइज इंटरनल थ्रेट्स लाइक ड्रग्स एंड करप्शन इज कंज्यूमिंग अ कंट्री अ लिटिल मोर एवरी डे। Let us all come together to stop these threats, for we all love our motherland. Jai Hind.